that empower women are more progressive and developed in every sphere and in every way. Hello, my dear people of Arunachal. This is Miss Ponung Darang, proud Indian, proud Arunachali. I'm pursuing my PhD at History Department RGU, and I did my graduation from JNC Pasigat, Master from RGU itself. And I always believe in the collective strength and wisdom of our student community. That's why throughout my school days, my college days, I always have associated with the student organization in attempt to contribute bit from my side as a student leader. Hum hamesha se try kiya hai ki as a student leader apna taraf se contributions do. आप देखिएगा हम हमेशा से पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम माई स्कूल टाइम ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस स्कूल में आई वॉज क्लास कैप्टन आई वॉज पीटी कैप्टन आई वॉज स्काउट गाइड कैप्टन इन आवर यूजी डेज जेएनसी में आई वॉज कल्चरल सेक्रेटरी एंड आफ्टर डेट पांगन बोलंग स्टूडेंट यूनियन का हम जनरल सेक्रेटरी वोमेन विंग्स रह चुका है एंड आफ्टर डेट हम जब मास्टर यहाँ पे आया है तो आई वॉज क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर डिपार्टमेंट एंड आफ्टर डेट आई वॉज ऑल्सो आदिसु एपेक्स का एजेस रह चुका है हम एंड देयर इज अ हिस्टोरिकल एसोसिएशन इन आवर डिपार्टमेंट उसका हम पहले जॉइंट सेक्रेटरी था राइट नाउ आई एम होल्डिंग द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी सो यू कैन लिटरली सी कि हम यहाँ पे मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है हम बचपन से यहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते आया है सो आई बिलीव दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अब सो जैसा प्लेटफॉर्म में आना है और मेरा जितना भी बचपन से लेके आज तक जो मेरा पास एक्सपीरियंस है जो मेरा नॉलेज है उसको हम अब सो जैसा प्लेटफॉर्म में आके यूटिलाइज करो और हम खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि अब सो में आके हम स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए लार्जर वे में काम करना चाहते फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी एज स्टेट एज ए होल एंड दिस टाइम हम अपना विजन के साथ आ रहे हैं आई रादर सेट यू मिशन बहुत सारा चीज़ है जिसको हम काम करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखा गया है कि हम लोग का यहाँ पे नाउ हम लोग का स्टेट में हम लोग देखता है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ वुमेन विंग बट वो लोग ज़्यादातर चाय पानी बांटने में ख़त्म हो जाता है बट अगर इन कल को बाय ग्रेस ऑफ गॉड बाय ग्रेस ऑफ यू पीपल हम आता है तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड अब मेरा बात याद रखिए आई एम गिविंग यू माई वर्ड कि हम कल को यहाँ तक चाय पानी बांटने तक ख़त्म नहीं होगा I'll run office to office, door to door with the general. And with that, हम सबसे ज़्यादा इस पर इम्पेसाइज करना चाहेगा कि without हम लोग वोमेन एम्पावरमेंट का बारे बात करता है बट वो तब लिटरली तब होगा जब ये डिसेंट्रलाइज होगा पावर एंड फंक्शन ऑफ द वोमेन सेल सो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है मेरा मिशन कि डिसेंट्रलाइज करना है पावर एंड फंक्शन ऑफ वोमेन सेल को ताकि हम लोग इंडिपेंडेंटली काम कर सके और हम लोग आगे बढ़ सके हैंड इन हैंड एंड दूसरा चीज़ जिस पर हम ज़्यादा इम्पेसाइज करता है दैट विल बी द एजुकेशन वी ऑल नो माई डियर पीपल दैट एजुकेशन इज द ओनली पेनेसिया फॉर ऑल द ईल्स इन आवर सोसाइटी जितना भी सोसाइटी में जितना भी ऑथ्स है उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है दैट विल ओनली विद एजुकेशन तो वी ऑल नो कि जहाँ पे हम लोग देखता है कि रूरल एरिया में आप देखिए कि ये बहुत अफेक्टेड है रूरल एरिया में लिटरेसी रेट अभी भी बहुत कम है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज़ अ राइट टू एजुकेशन पॉलिसी जो 2009 में आया है उसका मुताबिक एलिमेंट्री तक हम फ्री है सभी को बट वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है दैट्स वाई लिटरेसी रेट अभी भी कम है तो उसके लिए हमको डिस्ट्रिक्ट और जाना है हमको बताना है हमको देखना है मॉनिटर करना है कि ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है एंड अलोंग विद दैट इक्वल पार्टिसिपेशन में आई लेट यू नो कि हम लोगों को पता है वन ऑफ द बेस्ट सेक्स रेशियो हम लोग का स्टेट हम लोग का कंट्री में 1084 फीमेल 4000 मेल बट स्टिल आप देखिएगा लिटरेसी रेट में वी आर फार बिहाइंड क्या रीज़न है क्या सोल्यूशन है उसको जाके देखना है हमको मॉनिटर करना है बताना है एंड देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कीम जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड ऑल है तो वो सबको अच्छे से प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है जाना है इंट्रोस्पेक्ट करना है हमको डिस्ट्रिक्ट में जाके एंड देन एस आई सईद की एजुकेशन ही एक ओनली जरिया है जिससे हम लोग जितना भी ईल है सोसाइटी में उसको हम इरेडिकेट कर सकता है सो उसके लिए हम सच में इस डिस्ट्रिक्ट और जान है बहुत इम्पोर्टेंट जो एजुकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हमको इम्पेसाइज करना है एंड नॉट ओनली स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट को नहीं साथ साथ में पेरेंट्स को भी बताना है कि पढ़ाई लिखाई जो सिर्फ हम लोग नौकरी के लिए नौकरी सिक्योर करने के लिए नहीं टू एनलाइटन आवर सेल्फ एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो ये हमको बेसिक राइट तो इसे हम लोग को इसको बताना है वो लोग को काउंसलिंग करना है अवेयरनेस कैंपेन लाना है ये सब चीज़ में एंड अलोंग विद डेट
डिजिटल लिटरेसी, वहाँ पे हमको और इम्पेसाइज करना है डिजिटल लिटरेसी। आज का ज़माना में हम लोग सभी देखता है कि सबका साथ, सब जितना स्टूडेंट है उसका पास, सबका पास हाथ में मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, लेकिन ज़्यादातर उसको मिसयूज़ करते हैं गेम्स एंड ऑल, गेम ये सब खेलने में, वीडियो वीडियो ये सब देखने में। बट हम लोग इसको अच्छा से, ये सब टूल्स को अच्छा से यूटिलाइज कर सकता है टू इम्पार्ट नॉलेज, न्यूज़ एंड अपडेट करने के लिए। सो आई एम्फेसाइज ऑन दैट। एंड आफ्टर दैट वी ऑल नो दैट नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो 1988 में आया है, तो वी ऑल नो कि अभी का हम लोग देखता है कि ये प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग का स्टेट में अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग को सभी को पता है कि बहुत सारा ड्रॉप आउट्स होता है रूरल एरिया में, नॉट ओनली रूरल, अर्बन में भी। एंड बहुत सारा अर्ली मैरिज का कारण बहुत सारा लड़की लोग अपना पढ़ाई कम्प्लीट नहीं कर पाता है, तो हम चाहता है कि वो लोग अपना पढ़ाई कम्प्लीट करो। तो इसलिए हम ये चाहता है कि ये जो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम है इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, every rural area. And after that, let's come to the social issue. Social issue में आइए तो हम देखते हैं कि जो most important things जिसको हमको यहाँ पे लाना है, that will be the retabling and re-implementations of the menstruation bill 2017. देखिए, when I say I'm literally convicted, one first day में period में हम खड़ा भी नहीं हो सकते, हम कहीं भी नहीं जा सकते, और ये चीज़ सब लड़की पेश कर सकते, ये लड़की ये चीज़ को जितना भी लड़की है वो पेश करते हैं। और आप लोग का भी जो यहाँ पे जितना भी व्यूअर्स है, हम उसको भी कहना चाहेगा कि आप लोग का भी बहन होगा, बेटी होगा, माँ होगा, वो लोग भी ये सब चीज़ फेस करता है, सेम जो चीज़ है इसको फेस करता है। तो हम चाहता है कि जितना भी स्कूल गोइंग गर्ल्स है और जितना भी वर्क प्लेस में लड़की है, वो लोग को मिनिमम एक दिन वो लोग को रेस्ट मिलना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीरियड। सो आई एम्फेसाइज ऑफ दैट, और ये चीज़ तो जैसे भी इम्प्लीमेंट होना है। एंड आफ्टर दैट व्हेन कम टू द मेंस्ट्रुएशन बिल, देयर इज अ मेंस्ट्रुएशन हाइजीन ऑल्सो। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का जब भी हम लोग बात करता है तो रूरल एरिया में, देखिए अर्बन वाला लोग तो थोड़ा जानता है, लेकिन रूरल एरिया में दिस इज मोस्ट इफेक्टिव एरिया। रूरल एरिया में वो लोग मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का नाम पे जीरो है, दे डिडंट हैव एनी नॉलेज, वो लोगों को कुछ पता ही नहीं। तो इसमें हमको डिस्ट्रिक्ट टूर जाना है, स्टूडेंट लोगों को अवेयरनेस कैंपेन देना है, नॉट ओनली स्टूडेंट, नॉट ओनली गर्ल चाइल्ड, और साथ ही साथ जो उसका पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी गाइडेंस देना है, काउंसलिंग करना है, क्योंकि पेरेंट्स से ही हम लोग सीखता है। तो पेरेंट्स को भी पता चलना है कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है, और ये मेंस्ट्रुएशन हाइजीन का कारण समटाइम्स सोशल इशू भी बन जाता है कि अब बड़ा होकर लड़की लोग कंसीव नहीं कर पाता है, और कंसीव नहीं कर पाने का कारण समटाइम्स आप देखते हैं कि एक दो लड़का होता है वो लोग अब बच्चा नहीं दे सकते बोल के दूसरा शादी कर लेता है। सो दिस इज सम मेन सम सोशल इशूज आर देयर। एंड नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारा स्कीम है जो जहाँ पे लड़की लोग को फ्री इन एवरी स्कूल, कुछ कुछ स्कूल में जहाँ पे देता है फ्री में पैड्स, बट वो भी हम आज के समय में देखा है कि वो लोग प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता है। तो उस पर भी हम इंट्रोस्पेक्ट करेगा, हम देखेगा कि वो लोग क्यों प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। एंड अलोंग विद दैट देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, हमने देखा है कि नाउ ए डे बहुत सारा सेक्सुअल एब्यूज़ बहुत होता है, चाइल्ड एब्यूज़, और ये सब ज़्यादा रूरल में होता है, और लड़की लोग ज़्यादातर ये सब बात को खोल के नहीं बोल पाता है। तो उसके लिए भी हमको काउंसलिंग देना है। एंड नॉट ओनली लड़की, लड़की में क्यों, ये आजकल का ज़माना में हम देखा है कि ये लड़का पे भी होता है। तो लड़का पे होता है तो हम वही बोला कि लड़का लोग को भी हम ये बोलते हैं कि आप लोग भी सामने आइए, बात कीजिए, एंड आई स्टैंड फॉर यू गाइस ऑल्सो, आप लोग के लिए भी हम स्टैंड लेंगे, आप लोग भी आगे आना है। नॉट ओनली फीमेल, वाई ओनली फीमेल, मेल में भी ये बहुत होता है, और ये चीज़ को अभी टेबू नहीं लगना है, ये चीज़ को हम लोग खोल के बात करना है। एंड उसके साथ साथ जो चीज़ हमको और इम्फेसाइज करना है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, दिस सेक्स एजुकेशन, हम लोग सेक्स एजुकेशन का बारे में बात क्यों नहीं करते, व्हाई स्टिल इट्स टेबू। आपको पता है कि चलो जो बड़ा है, जो इंटेलेक्चुअल है, दे नो, बट व्हाट अबाउट जो एडोलेसेंस, जो टीनेजर है, जो सबसे ज़्यादा टीनेजर में इफेक्टेड होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है और अर्ली मैरिज हो जाता है इसका कारण से, और उसका लाइफ जो करियर है वो लोग ख़त्म हो जाता है। तो इसके ऊपर में भी हम लोग को बात खुल के बात करना है, सेक्स एजुकेशन के बारे में भी हम लोग को बताना है, अवेयरनेस देना है ये सबको। एंड अलोंग विद दैट हमको और भी बात करना है, दैट मेरा नेक्स्ट विल बी जेंडर न्यूट्रलिटी, कि नाउ ए डे आई एम, देखिए आई एम एक्सट्रीम फेमिनिस्ट, हम फेमिनिस्ट है, एक एक्सट्रीम फेमिनिस्ट है, बट हम ऐसा फेमिनिस्ट में से है जो लड़की को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ना कि हम लड़का को चैलेंज करेगा, नो, हम चाहता है कि लड़की लोग आगे बढ़े सोशली, मेंटली, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए, हम यही चाहते हैं। और साथ साथ में हमको ये भी देखना है कि नाउ ए डे देयर इज लॉट्स ऑफ सूडो फेमिनिस्ट, सूडो फेमिनिस्ट भी है जो जूता एलिगेशन डाल के लड़का लोग को बेकार में फंसा देते हैं और वो लोग का करियर लाइफ खत्म कर देता है। एंड आई
स्टैंड फॉर दैट, वो लोग के लिए भी हम स्टैंड लेगा, जो भी लड़का है दे कैन कम टू मी, ऑल बिकॉज सी से गर्ल वो लड़की है बोल के उसको हम कभी साथ देने वाला नहीं है। अगर आई ऑलवेज स्टैंड फॉर जस्टिस, अगर लड़का को भी हमको साथ देना है, हम ये विश्वास रखता है कि साथ में लड़का और लड़की जब हम लोग मेल एंड फीमेल जब हैंड इन हैंड जब आगे बढ़ेगा तभी सोसाइटी आगे बढ़ेगा, तभी डेवलप जो स्टेट है वो डेवलप होगा। इट्स स्टैंड ऑन दैट एंड आफ्टर दैट वाई वी ओनली टॉक अबाउट अवर स्टेट, स्टेट के बारे में क्यों, बिसाइड स्टेट, स्टेट के बाहर भी लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आर देयर जो पढ़ाई कर रहा है, सो दे फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज लाइक डिस्क्रिमिनेशन, लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एंड लड़की लोग बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एब्यूज फेस करते हैं, तो उसके लिए भी हम चाहता है कि हम ट्राई करेगा कि 24/7 एक हेल्पलाइन प्रोवाइड करो ताकि उसमें जो इशू है उसको हम लोग खुल के डिस्कस करो एक दूसरे के साथ कि वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है और हम लोग यहाँ का आप सुखा प्लेटफॉर्म से क्या हेल्प कर सकता है वो लोग को। एंड साथ ही साथ हम ये भी बोलना चाहेगा, यहाँ पे हम इम्फेसाइज करना चाहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट करियर, करियर बहुत ज़रूरी है, करियर काउंसलिंग देना ना हो दे, वी ऑल नो कि आज का समय में सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, वी ऑल नो दैट, दैट्स व्हाई हम लोग को अपना वोकेशनल जो ट्रेनिंग है इस पर इम्फेसाइज करना पड़ेगा, हैंडीक्राफ्ट आर्ट एंड और वोकल फॉर लोकल इस पर इम्फेसाइज करना है, एंड जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है जॉब मेला इसको अच्छा से जितना हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छे से पहुँचाना है, रूरल एरिया में अच्छे से अवेयरनेस देना है ताकि सब मेल एंड फीमेल इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, और जब मेल एंड फीमेल दोनों इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगा तब सही मायने में हम लोग का सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा, हम लोग का जो स्टेट है वो डेवलप करेगा। एंड विद डेथ मेरा विजन तो बहुत सारा है, बहुत सारा मिशंस है, बोलने के लिए तो बहुत सारा बात है, बट हम यही है कि आई जस्ट वाना लीड बाय एन एग्जांपल नॉट बाय प्रिसिट, हम यहाँ पे जूता वादा करने नहीं आया है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करने आया है, तो इसलिए हम चाहता है कि दिस टाइम जो भी मेरा जितना भी जो मेरा विजन लेके आया है, जो मेरा मिशन है, इसको हमको पूरा करना है, और ये तभी पूरा हो सकेगा जब माई डियर पीपल आलोक हमको साथ देगा। सो माई डियर पीपल इट्स माई आर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू काइंडली डू सपोर्ट, सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आप सभी का वॉइस बन सके, लेट मी बी योर वॉइस गाइस, तो जितना भी है इसको हम और लेट मी बी योर वॉइस, और हम इतना आपको अपना मार्क माई वर्ड हम अपना वाद देता है, अपना बात रखता है कि हम अपना आपका वॉइस बनेगा, हम लड़ेगा, हम जो भी काम करने आया उसको हम करेगा और हम कर सकता है और हम करके दिखाएगा। एंड विद डेट वंस अगेन दिस इज मिस पोनुंग दारांग एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वोमेन सेल प्रेसिडेंट अपसू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पायरिंग कैंडिडेट, थैंक यू ऑल।